हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और अब हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है CS302 यानी कि DLD डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की, और मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके पढ़ने का मेथड हम क्या अप्लाई करेंगे। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो सबसे पहला और मेन टॉपिक जो है DLD का, वो है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। अब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में आप लोगों ने पहले सुना ही होगा कि वो क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो एक उसकी जो सिंपल नॉर्मल जो हम एग्जांपल लेते होते हैं वो ये है कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, लाइक वो इस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। उसमें एक अप पॉइंट होता है, एक डाउन पॉइंट होता है लाइक दिस, और ऊपर वाला पॉइंट जो है उसको एक फ्रीक्वेंसी होती है, नीचे वाला पॉइंट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ इस पॉइंट से, यहाँ पे मैं ग्रीन करता हूँ, इस पॉइंट से लेके ऊपर जाके नीचे तक हाफ की जो है वो कंप्लीट होती है, और यहाँ से आके ऊपर यहाँ तक एक वेव जो है वो कंप्लीट होती है। तो एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो वेव की फॉर्म्स में ट्रेवल करते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल्स की बात की जाए तो उसके अंदर हम उनको रिप्रेजेंट जो करते हैं वो हम नंबर्स की फॉर्म में करते हैं। ज़ाहिर है ट्रेवल सिग्नल्स हमेशा वेव्स की फॉर्म में ही ट्रेवल करते हैं, लेकिन अगर हम एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस करना चाहें तो उसकी एक एग्जाम्पल ये होगी। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं पहले, जो कि एक हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के लिए हम ठीक कर लेंगे, और इसके ऊपर जो अगर हमारी वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी लाइक एनालॉग की, तो वो इस फॉर्म में ट्रैवल करेंगी। वो वेव्स लाजमी नहीं है सेम ही हों, कोई एक वेव छोटी बड़ी भी इस तरह से हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारा जो एनालॉग सिग्नल्स है वो ट्रैवल करते हैं, जबकि हमारे जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो भी इसी तरह वेव की फॉर्म में ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनकी वेव की जो फॉर्मेशन होती है वो इसकी निस्बत जो है वो डिफरेंट होती है। वो जो ट्रैवल करते हैं वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करते हैं कि उसकी वेव जो है वो, अब यहाँ से भी पता नहीं बन पाएगी कि नहीं, लेकिन उसकी जो वेव होती है वो इस तरह से होती है, लाइक मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाता हूँ इस फॉर्म में, ठीक है। और इसी तरह फिर ये वेव जो है वो नीचे तक चले जाती है लाइक दिस, और फिर आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे इस चीज़ को, और इस तरह से वो फॉर्म करती है। इसमें क्या है कि वेव जो है इस वेव में फॉर्म करती है, लेकिन डिजिटल के अंदर वही वेव जो है वो इस तरह स्केयर बॉक्सेस की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है कि हमें इस डिजिटल के अंदर जो डेप्थ मिलती है वो थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। मेरे पास एक इमेज है, वो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये वो इमेज है जो मैं आपको बता रहा था कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क होता है। इसके अंदर आप देखें, ये जो रेड कलर की वेव जा रही है ये एनालॉग सिग्नल्स की हैं, और यहाँ पे जो ब्लू कलर की वेव जा रही हैं स्केयर की फॉर्म में, ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। अब जो स्केयर का सिग्नल होता है वो इस तरह, अब जब हाई होता है तो ऊपर को जाता है, जहां तक जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती जाती है वो उस तरह लो एंड हाई होता जाता है, और उसी तरह अपना जितना अगर वो नेगेटिव से नीचे आना शुरू हो तो उसी तरह वो उस वेव लेंथ जो होती है, जो उसकी एक मार्क बना होता है पॉइंट, उससे जो उसकी वेव लेंथ जो है वो कम होना, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं ये ट्रैवल करते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो इस वे में ट्रैवल करते हैं कि अगर उन्होंने डाउन होना है तो वो एक मैक्सिमम पॉइंट से जाके ही डाउन होंगे, और जब डाउन होंगे तो वो अपने पॉइंट से ही वापस आएंगे, लाइक इस वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो उसके अंदर हम डाटा इजीली और ज़्यादा ट्रांसफर कर पाते हैं। अब बात आती है, यहाँ पे सेम इसी तरह एक और इमेज बनी हुई है, वो भी आप लोग देख लीजिए कि उसी के अंदर जो है वो सिग्नल्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन एनालॉग और डिजिटल क्या डिफरेंस आता है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। इसी के अंदर एक और इमेज है ये वाली, जो कि सिंपलेस्ट इमेज है कि एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स में क्या फर्क होता है, जो कि मैंने पेंट पे बनाने की ट्राई की थी। तो ये हैं एनालॉग सिग्नल्स जो इस तरह वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, और ये हैं डिजिटल सिग्नल्स जो ब्लॉक्स की फॉर्म में उनकी वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि अगर हमने एनालॉग सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो हमेशा वेव की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होते हैं, लाइक इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये रहे तो हमारा एनालॉग सिग्नल्स। अगर हमने डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स जो हैं वो यूज करते हैं, वो 0 एंड 1, ये दो डिजिट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इन एनालॉग डिजिटल फॉर्म्स के अंदर जो हमारे सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब 0 से मुराद वो सिग्नल है जो लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, और 1 से मुराद वो सिग्नल है जो लाइन के नीचे ट्रेवल करता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस आता है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर और डिजिटल सिग्नल्स के अंदर।
तो ये तो था जी बेसिक के एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क होता है। अब हम जरा हैंडआउट्स की तरफ जाते हैं और वहां पे हमें कुछ चीज देखने को मिल जाए तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर का, कि टाइम के साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है और उसका जो मैप है वो वहां पे बन रहा है। तो टाइम के मुताबिक से आप ये ले सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितना डिफरेंस पड़ता है। यहाँ पे जो टाइम है ये मिनट्स की फॉर्म में है, 15 मिनट्स कह लें या 15 सेकेंड्स कह लें आप। तो जो भी पॉइंट है 1 से 2 तक, उसके अंदर जो टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस आते हैं उस लिहाज से हमारी वेव्स जो हैं ये कम और ज्यादा होगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिनट का टाइम है तो यहां से 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 3 तक ये जो टेम्परेचर 0 से इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह ये वेव जो है आगे को भी जा रही है टाइम के साथ साथ और ऊपर को भी जा रही है टेम्परेचर के साथ साथ। यहां पे जाने के बाद क्या हुआ है कि 0.35 या 34 कह लें आप कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यहाँ पे 6 मिनट के बाद टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ और उसी तरह जो वेव थी वो नीचे को आना शुरू होगी। सो इसी तरह से अगर हमने कोई भी चीज मेजर करनी हो और उसको हमने एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके अंदर ये एटलीस्ट 2 डायमेंशन जो है हम लेते हैं। एक ये कि वो उसका अप लेवल क्या होगा, यानी कि अगर वो ऊपर को जा रहा है, अगर वेव हमारी ऊपर को जा रही है तो वो किस बेसिस पे जा रही है, और जाहिर है हम यहाँ पे डिस्टेंस या फिर टाइम अक्सर हमारा जो है वो काउंट होता है। तो ये जो प्लेन एक बनता होता है ये एक्स एक्सिस यानी कि यहाँ पे जो टाइम है और वाई एक्सिस यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसकी फॉर्म में हमेशा बनता होता है। तो हमेशा जो एनालॉग सिग्नल्स या डिजिटल सिग्नल्स जो रिप्रेजेंट होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे ये जो नीचे एक इमेज बनी हुई है इसके ऊपर क्या है कि वहां पे आप देखें टेम्परेचर के हर पॉइंट पे जहां जहां जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसके हर एक पॉइंट पे एक वो बना हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है हमारे उस टेम्परेचर की। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे 35 के पास है तो हम इसको 34 कंसिडर करते हैं, तो यहां पे देखिए उन्होंने 34 ही लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बनता है 34। तो इस तरह जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है वो उसको डिजिटल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमने डिजिटल वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो यहां तो फिर ब्लॉक्स बन जाने थे, लेकिन हम चूंकि उसको डिजिटल नंबर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमने उसको बाइनरी में नहीं, हमने उसको डेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू यहाँ 1, 2, 4, 7, 18 जो जो हमारा टेम्परेचर टाइम के साथ साथ बन रहा था हर एक पॉइंट पे हमने वहां पे अपना टेम्परेचर जो है वो लिख दिया। तो दिस इज द वे कि आप एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये इतनी सारी जो थ्योरी लिखी हुई है वैसे ये एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी ये है नहीं इंपॉर्टेंट। अगर हम बेसिक वे में देखें, अगर आप करना चाहें तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि डिजिटल सिस्टम एंड डिजिटल वैल्यूज। डिजिटल वैल्यूज जो होती है, जो डिजिटल लॉजिक की रिप्रेजेंटेशन होती है, वो बेसिकली 2 नंबर्स के मुबैन होती है। एक होता है 0, एक होता है 1। 0 means off, 1 means on। या फिर अगर आप कोई भी 2 चीजें लेते हैं तो हर दोनों चीजों का कोई ना कोई ऑपोजिट वैल्यू होती है। तो अगर आप 0 को 1 वैल्यू असाइन करते हैं तो 1 की वैल्यू अपने आप उसकी ऑपोजिट बन जाएगी। यहां पे हम ले लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं कि यहां पे 0 है और यहाँ पे 1 है हमारे पास। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं 0 एंड 1। अगर मैं कहता हूं कि 0 का मतलब है ऑफ, इट मीन्स के 1 का मतलब है ऑन। अगर मैं कहता हूं कि 0 का मतलब है ब्लैक तो 1 का मतलब होगा वाइट। अगर 0 का मतलब है लो और तो 1 का मतलब होगा हाई। तो इसी रूल को, इसी वे को हम फॉलो करते हुए इस DLD के अंदर हमारे जितनी भी जगह पे 0 और 1 के नंबर जो आएंगे वो हम इसी तरह फॉलो करेंगे। तो 0 और 1 जो यहाँ पे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और हर जगह पे अगर हम 0 और 1 को किसी वर्ड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ऑन और ऑफ, ब्लैक या वाइट, हॉट और कोल्ड, मूविंग और स्टेशनरी, तो इसी तरह क्या होगा कि एक लफ्ज जो है वो दूसरे लफ्ज का हमेशा ऑपोजिट आएगा। तो अगर आप मूविंग जो है वो 0 को असाइन करते हो तो 1 जो है वो खुद ब खुद स्टेशनरी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है जी बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये पूरा डिटेल के साथ हम करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा जो टॉपिक था कि डिजिटल और एनालॉग के अंदर डिफरेंस, उसकी रिप्रेजेंटेशन, और डिजिटल का जो नंबर्स हम यूज करते हैं 0 और 1, एक्चुअली ये बाइनरी नंबर्स हैं 0 और 1, और डिजिटल नंबर सिस्टम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है। 0 1 1 0 1 0 1 0, इस तरह नंबर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है।
तो ये था जी सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। अगर आपको इसी के रिलेटेड लाइक द क्वेश्चन इज के डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग डिजिटल नंबर सिस्टम और एनीथिंग, अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी आप इसी के रिलेटेड फर्दर आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। जो चीज़ें वीडियो के अंदर जो अगर स्किप हो गई है, जो मुझे इस वक्त माइंड में नहीं है, जो मैं नहीं बता पाया, वो क्वेश्चन जो है आप अपना कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, तो वहां पे मैं आपको उसके आंसर्स जो है रिटर्न फॉर्म में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।